वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हमारी प्रीपोजिशंस की क्लास 7 है और आज हम स्टडी करते हैं कैसे यूज किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ का। तो सेंटेंस देखिए, अब दिस इज द हाउस ऑफ यश, यह यश का घर है। तो यहां पर हमने क्या बताया कि ये किसका घर है, दैट मींस बिलोंगिंग। तो बिलोंगिंग बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, घर यह घर बनाया किसका, ब्रिक्स का। तो क्या बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया है, मेड फ्रॉम, दैट मींस द हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सरदार पटेल वाज अ लीडर ऑफ स्ट्रांग डिटरमिनेशन, सरदार पटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन के लीडर थे। तो यहां पर ऑफ ने क्या बताया, क्वालिटी शो किया, दैट मींस शोइंग क्वालिटी, क्वालिटी को बताने के लिए कौन सी क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन। तो इसके लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, ही डाइड ऑफ कोरोना, वह उसका देहांत हुआ किससे, कोरोना से। तो यहां पर जो ऑफ है ये किसके लिए यूज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ के लिए, रीजन के लिए, यानी ही डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो एनीथिंग ऑफ हिम, क्या आप जानते हैं उसके बारे में कुछ। तो यहां पर दैट मींस प्रीपोजिशन ऑफ क्या बता रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है अबाउट के लिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम, डू यू नो एनीथिंग ऑफ हिम, उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखिए, द हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयस पड़ते हैं भारत के उत्तर में। ओके, तो यहां पर ऑफ ने, प्रीपोजिशन ऑफ ने क्या शो किया स्टूडेंट्स, पोजिशन। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा दैट जो प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ है उसके जो मेन यूजेज होते हैं वो क्या क्या बताने के होते हैं, बिलोंगिंग, मेड फ्रॉम, शोइंग क्वालिटी, बिकॉज ऑफ, अबाउट और पोजीशन के लिए यूज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका सेपरेशन के लिए, ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का स्टूडेंट्स। सेंटेंस देखिए, राजा जंप ऑफ द हॉर्स, दैट मींस राजा घोड़े के ऊपर से कूद गया, दैट मींस वहां से क्या हो गया, उसका सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया कहां से, हॉर्स से। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का सेपरेशन शो करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेक द कर्टेन ऑफ द बुक्स, पर्दे को किससे, बुक से हटा दो, दैट मींस अवे फ्रॉम, यहां पर भी एक तरह से सेपरेशन ही हो रहा है, बुक से कर्टेन का सेपरेशन हो रहा है, उसके लिए हमने यहां पे क्या यूज किया, यानी अवे फ्रॉम के लिए प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, स्पीकर जो है वो सब्जेक्ट से अलग जा रहा है, दैट मींस यहां पर भी अवे फ्रॉम के सेंस में ही प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज गॉट हिज बियर्ड ऑफ, वह अपनी बियर्ड कटवा चुका, दैट मींस ओ डबल एफ ऑफ का यूज यहां पर किसके लिए हो रहा है, रिमूव कराने के लिए। तो यहां पर हमने किसके लिए देखा, रिमूव के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, shopkeepers have declared 20% of their goods to promote their sale, shopkeepers have declared कर चुके हैं क्या 20% off अपने goods पर, ताकि अपने to promote their sale, अपनी sale को promote करने के लिए। तो यहां पर जो o double f off है वो किसके लिए हो रहा है, reduction in price के लिए। तो o double f off के जो main uses है as a question वो क्या होते हैं आपके, separation के लिए, away from के लिए, remove करने के लिए, and that is reduction in price के लिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट यूजेज हैं प्रीपोजिशन ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ के। थैंक यू स्टूडेंट्स।